सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग? देखिए 28 जनवरी को बुध देव जो है वो उदित हो रहे हैं, और बुध देव जब उदित होते हैं तो क्या होता है कि बुध देव देखिए मकर राशि में चल रहे थे। अब बुध देव जब मकर राशि में चल रहे थे, आपको पता है कि जब से साल की शुरुआत हुई है तो बुध देव कभी मार्गी बकरी, इस प्रकार से बुध का जो है वो मकर राशि में चल रहे थे। और यहाँ पर जब बुध देव जब उदित होंगे, यानी 28 जनवरी आज के दिन बुध देव जो है वो उदित हो रहे हैं, और ये जो है 4 फरवरी तक मार्गी रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि जब बुध उदय होंगे तो क्या होगा, हमारी कॉमन सेंस बढ़ेगी, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे जो काम काज की हमारी जो बुद्धि हमें समझ में नहीं आ रही थी, हमारी बुद्धि हमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी समझ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीजें जो है अब होनी शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि 29 जनवरी को यानी कि कल के दिन जो है शुक्रदेव भी जो है वो उदित हो रहे हैं। यानी कि शुक्रदेव जब उदित होते हैं तो क्या होता है, लग्जरी मिलती है, व्यवसाय बढ़ता है, और लग्जरी के साथ साथ में ऐशो आराम बढ़ती है। हमारे जो स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े जो हमारे चल रहे थे वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो 28 जनवरी को बुध और 29 जनवरी को शुक्र जो है वो उदित हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि सभी राशि वालों पर कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट इसका आएगा। वो क्या इफेक्ट आएगा कि जैसे कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव जो है वो किस राशि में बैठे हुए हैं और गोचर में इस वक्त कहाँ चल रहे हैं, तो वो चीजें देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि शुक्र के उदित होने से खुशियों में जो है इजाफा होता है। शुक्र जब उदित हो जाते हैं और शुक्र उदित होते हैं तो मांगलिक कार्य जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। शुक्र के उदय होने से आपके लड़ाई झगड़े, जो स्पाउस के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत दोबारा से जागना शुरू हो जाता है। हमें सेंसेस आ जाती हैं कि जैसे बुध और शुक्र दोनों जब उदित होते हैं तो हमें सेंसेस आती हैं कि हमें क्या काम करना हमारे लिए सही है और क्या काम करना हमारे लिए गलत है। तो जिन लोगों को भी पिछले सवा महीने से थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बुध के आ रहे थे, तो वो उनके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति में बैठे हुए हैं, क्या वो मार्गी है, क्या वो वक्री है या वो अस्त है, इस चीज का भी देखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ तो बुध का इफेक्ट अच्छा आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको बुध का इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि अगर आपकी बहन है, आपकी बुआ है, आपकी बेटी है, आपकी मासी है, तो उसे आप मीठा देकर आशीर्वाद जरूर लें, और जो है किन्नरों का आशीर्वाद जरूर लें। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो ये बुध के दो उपाय, किसी किन्नर को आप काले रंग की जुराबें और जो है काले रंग की जुराबें और साथ में वो दीजिए, साथ में सफेद रंग के कपड़े, काले रंग की जुराबें दीजिए या हरी मूंग की दाल दीजिए, किन्नरों के घर में राशन डलवा दीजिए। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो आपका बुध जो है वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। फिटकरी के कुल्ले भी अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत बढ़िया आपको इसका इफेक्ट आता है। तो दर्शकों, बुध और शुक्र अगर हमारी कुंडली में खराब हो जाए तो ना तो लग्जरी मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, ना ऐश मिलेगी, ना आराम मिलेगा, हर समय मन जो है वो परेशान रहेगा, और हमारे स्पाउस का भी हमारी तरफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। यानी कि जीवन में जीने का मतलब खत्म हो जाता है। और अगर बुध खराब हो जाए तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारी काम करने का तरीका, हमारे सोचने समझने की शक्ति, सब पे इसका इफेक्ट आता है। तो अब आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, 28 जनवरी को बुध और 29 जनवरी को शुक्र जो है वो उदित हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही अपने जो है जीवन में खुश रहिए और जो है अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। राधे राधे।